हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियल मी सी 51 फ़ोन है, तो रियल मी सी 51 फ़ोन की कैमरा आइकन्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन के कैमरा पे जाकर फुल स्क्रीन कैमरा का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और फ़ोटोज़ को फुल स्क्रीन में कैसे खींच सकते हैं अपने कैमरा आइकन्स का यूज़ करके। तो आज हम बताने वाले हैं कि फुल स्क्रीन कैमरा का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और फ़ोटोज़ को भी आप कैसे खींच पाएंगे फुल स्क्रीन कैमरा में। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपके पास कैमरा आइकन्स आ जाएगा। कैमरा आइकन्स पे जाकर जो भी आप फुल स्क्रीन कैमरा का यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं और फुल स्क्रीन कैमरा का यूज़ कर पाएंगे और फुल स्क्रीन कैमरा का यूज़ करके फोटोज एंड वीडियोस को खींच इंक्रीज कर सकते हैं। तो फुल स्क्रीन कैमरा का यूज़ कैसे करें, तो आपके पास ये ऑप्शन आता है जहाँ से आपको फ्रेम साइज पे जाना और 16:9 फ्रेम को कर देना, जिससे आपका फ्रेम साइज इस तरह से फुल साइज में आ जाएगा, जिसके जरिए आप फोटोज को खींच सकते हैं फुल साइज फ्रेम में। और जब आप फोटोज खींचते हैं तो आपकी फोटोज किस तरह से फुल साइज फ्रेम में आ जाएगी, जहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह से फुल स्क्रीन फ्रेम के जरिए फोटोज को आप खींच सकते हैं और आप चाहें तो फ्रेम साइज को स्मॉल साइज में भी कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि इस पर जाकर जो आपका फ्रेम साइज है कैमरे का, आप उसको 4:3 भी कर सकते हैं। 4:3 फ्रेम आपके फोन कुछ इस तरीके का शो करता है, जिसमें आप फोटोज वगैरह को खींच पाएंगे। इस तरीके से आप वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रेम को भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो साइज क्वालिटी इस तरह सेट कर सकते हैं और फ्रेम साइज को सेट करके वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से फुल स्क्रीन कैमरा का यूज़ कर सकते हैं अपने रियल मी C51 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।